हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज इस वीडियो में हम के एग्ज़ाम पैटर्न, उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में आपको लेटर राइटिंग और एसे के बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है एमटीएस का, इसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं। दो पेपर में जो पेपर फर्स्ट होता है उसके नंबरों के बाद, यानी ये आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है पेपर फर्स्ट, इसमें आपको 120 मिनट मिलती है। इसके बाद में आपका पेपर सेकेंड होता है। पेपर जो फर्स्ट होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, इसके बाद में पेपर सेकंड होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। इस रिटन एग्ज़ाम के अंदर आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, और इसके अलावा वर्णात्मक यानी लेटर और ऐसे आपको लिखना होगा। तो आपके पेपर फर्स्ट के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं ये जब मैटर करेगा जब आप पेपर टू के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो पेपर टू के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए, या पेपर टू के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, और आपको 45 मिनट इसको हल करने के लिए मिलेगी। तो 50 नंबर्स में आपके 15-15 नंबर के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के क्वेश्चन, इसके अलावा एसे और लेटर राइटिंग आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसको अगर आपका अच्छा हुआ है तो आपको पेपर सेकंड के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप पेपर सेकंड के अंदर क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपके कोई काम नहीं आएगा पेपर फर्स्ट में जितने भी नंबर आए हैं वो। तो इसलिए ध्यान रखें। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर एससी और एसटी के लिए 33% नंबर लाना पेपर सेकेंड के अंदर अनिवार्य है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 37% और अदर कास्ट के लिए 40% नंबर लाना आवश्यक है। अगर आप पेपर टू क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एससी और एसटी के लिए 33% और ओबीसी के लिए 37% और अदर के लिए 40% प्रत्येक पेपर में आपको लेकर के आने हैं। तो ये हो गए आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो पेपर सेकंड होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेपर जो सेकंड होता है वो आपका 45 मिनट का पेपर होता है, जिसके अंदर आपको रिटन में एग्ज़ाम देना होता है। 50 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और इसमें आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, यानी आपको इंग्लिश से हिंदी के अंदर, यानी इंग्लिश के अंदर कोई मीनिंग लिखे होंगे उसका आपको हिंदी के अंदर समानार्थी शब्द बताने हैं। इसी प्रकार 15 नंबर के क्वेश्चंस फिर आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, इसका आपको ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना है फ्रॉम यानी से लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करना है या अनुवाद करना है, यानी कि जो हिंदी के मीनिंग हैं उनके समानार्थी यानी सिनोनियम आपको इंग्लिश के बताने हैं। इसके बाद में आपका 10 नंबर का आएगा लेटर राइटिंग, और 10 नंबर का ही आएगा आपका पैराग्राफ या शॉर्ट एसे, जो भी कितने नंबर का होगा 10 नंबर का। इसके अंदर आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, यानी जो एसे लिखना है वो भी 80 से यानी 80 से 100 वर्ड्स के बीच होना चाहिए, और लेटर है वो भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुआ था, पेपर सेकंड एमटीएस टीयर टू का, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उनको किस प्रकार से हल करना था। तो जो पेपर सेकंड था वो आपके 50 मार्क्स का था, और 50 मार्क्स का था और 45 मिनट में आपको हल करना था। इसके अंदर देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक सभी प्रश्न एक अंक के हैं, यानी 1 से लेकर 30 तक जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न एक अंक के हैं, और प्रश्न संख्या 31
और 32 आपके 10 10 नंबर के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक के अंदर आपको दिया गया है कि आपको प्रश्न संख्या 1 से 15 में अंग्रेजी शब्दों का उचित हिंदी शब्दों में अनुवाद कर सही विकल्प का चुनाव करना था। यानी इंग्लिश के अंदर जो मीनिंग दिए गए हैं उनको आपको हिंदी के अंदर इसके जो समानार्थी शब्द हैं वो आपको ढूंढने थे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मीनिंग था वो था जेनोफोबिया। सबसे पहला मीनिंग था जेनोफोबिया। फोबिया, देखिए एक बार आप जेनो को हटा देते हैं तो फोबिया एक प्रकार का रोग या भय होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का रोग या भय होता है, परंतु यहाँ पर दिया गया है जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया का मतलब यहाँ पर होता है विदेशी द्वेष, यानी विदेशी लोगों से घृणा करना। ये एक प्रकार का भय या रोग है कि व्यक्ति है वो इसके अंदर विदेशी अगर किसी व्यक्ति को देख लेता है तो उससे घृणा करता है या उससे डरता है। तो विदेशी द्वेष यानी विदेशी लोगों के प्रति द्वेष करना, ठीक है, तो जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी द्वेष। और अगर इसके अंदर हम और मीनिंग देखें तो बुरी लत का मतलब होता है बैड हैबिट। तो ये मीनिंग इसके नहीं था। इसके अलावा भय होता है आपका फियर, और अगर हम जेनो हटा देते हैं फोबिया रखते हैं तो भी भय आपका सही हो जाता। और कमज़ोर होता है फिबल। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि पिछली बार भी एग्जाम के अंदर ये फोबिया से क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि इस बार भी कोई फोबिया से आपको क्वेश्चन पूछ ले। जैसे फोबिया कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे बाइब्लियोफोबिया, ठीक है, कोई व्यक्ति किताबों से डरे, और अलग अलग प्रकार के नाइक्टोफोबिया, कोई व्यक्ति अंधेरे से डरे, इस प्रकार के कई प्रकार के रोग होते हैं, हेमोफोबिया, कोई खून से डरे, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको ये मीनिंग आपको याद कर लेने हैं फोबिया से संबंधित जितने भी मीनिंग हैं वो। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 के अंदर देखें रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी या मोंक, ठीक है, रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी या मोंक। तो इसके अंदर ए था वो सही था, रिक्लूज यानी सन्यासी। आनंद अगर हम देखें तो आनंद होता है प्लीजर। पुराणिक होता है माइथेकल, ठीक है, और विशिष्ट देख होता है स्पेसिफिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्लूज यानी सन्यासी। इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर था बेरन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर था बेरन। बेरन काफ़ी इजी वर्ड है। तो बेरन का मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है, बंजर भूमि, बेरन लैंड यानी बंजर भूमि। तो ये काफ़ी इजी था बंजर। और इसके अंदर तोपखाना क्या होता है, तोपखाना होता है आर्टिलरी, ठीक है, तोपखाना आर्टिलरी होता है। गुफा आपको पता है क्या होती है गुफा, ठीक है। इसके अलावा मदिरा देखें तो वाइन या लिकर होती है मदिरा यानी शराब। इसी प्रकार अगला मीनिंग था फोर्ज्ड, FORGED। फोर्ज्ड का मतलब होता है कुटरचित, ठीक है, फोर्ज का मतलब होता है कुटरचित। ये एक थोड़ा सा हार्ड मीनिंग आया था। तो इसके अंदर आपको देखना है कि कर्तव्यनिष्ठ जो होता है वो तो होता है कॉन्शियंस, ठीक है, और सर्वाधिक आपका होता है, ठीक है, और नाटकीय ड्रामाटिक होता है, ठीक है, ड्रामाटिक क्या होता है, नाटकीय। तो इसके अंदर जो सही आंसर था इसका वो था कुटरचित। तो कुटरचित इसके अंदर सही हो जाएगा, फोर्स्ड का मतलब था कुटरचित। तो जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसके ऑप्शन देख करके आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो था फेरी टेल। ये काफ़ी इजी आया था। फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानी, ठीक है, फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानी। तो यहाँ परियों की कहानी नहीं दिया गया है परंतु परी कथा दिया गया है, तो परी कथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी परी कथा होती है परियों की कहानी, ठीक है, इमेजिनेशन से भरी जो स्टोरियाँ होती हैं, टेल होती हैं वो। तो इसके अलावा जो उचित दूरी इसके अंदर दिया गया है, उचित दूरी का मतलब होता है रीजनेबल डिस्टेंस, सुस्पष्ट का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, और शोपन भंग का मतलब होता है नाइट मेयर। तो इसका सही आंसर था परी कथा, फेरी टेल का मतलब परी कथा। इसके बाद में हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, फॉर्मिडेबल।
फॉर्मिडेबल का मतलब होता है विकट, ठीक है। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? विकट परिस्थितियाँ, ठीक है, दुर्जय, ठीक है, विकट, ठीक है, होरिड। तो इसके अंदर फॉर्मिडेबल का मतलब होता है विकट। इसके अलावा अगर हम देखें चुनौती को तो चैलेंज होता है, उत्तरदायित्व होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैन होता है मुख्य। तो इसके अंदर आपका एक ही बचता है, वो बचता है फॉर्मिडेबल का मतलब विकट। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है मेटेओरॉइड, मेटेओरॉइड, ठीक है। मेटेओरॉइड का मतलब होता है उल्कापिंड। मेटेओरॉइड का मतलब क्या होता है? उल्कापिंड, ठीक है, उल्कापिंड। और इसी में दिया गया है मौसम, तो मौसम होता है वेदर, भौगोलिक होता है जियोग्राफिकल, और वायुमंडल होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी प्रकार बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ऑर्डिनरी, ये काफ़ी इजी मीनिंग आया था। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ठीक है, साधारण इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखें इसके अंदर तो सर्वमान्य, सर्वमान्य होता है रीजनेबल, ठीक है, और भव्य होता है मैग्निफिशेंट। भव्य क्या होता है? मैग्निफिशेंट। और संकोच होता है हेजिटेशन। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा साधारण, ठीक है, सिंपल, ऑर्डिनरी। इसी प्रकार आइकॉनिक, आइकॉनिक काफ़ी इजी मीनिंग था। आइकॉनिक का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है, आइकॉनिक मैन यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति। और प्रतिष्ठित इसके अंदर दिया गया है ए के अंदर, तो प्रतिष्ठित हो जाएगा सही। इसी प्रकार इसमें दिया गया है प्रेरित, तो प्रेरित होता है इंस्पायर। और अटल होता है फिर्म, ठीक है, और अपराजित, ठीक है, ये इसके अंदर दिए गए थे। तो आपको आइकॉनिक का मतलब इसके अंदर सही था प्रतिष्ठित। इसी प्रकार अगर देखें क्वेश्चन नंबर 10, तो आउटलैंडिश, आउटलैंडिश क्या होता है? ये काफ़ी अच्छा मीनिंग था। आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र, ठीक है, स्ट्रेंज यानी विदेशी, विचित्र। तो इसके अंदर विचित्र डी के अंदर दिया गया है, तो डी हो जाएगा सही, आउटलैंडिश यानी विचित्र। इसी प्रकार अमर्यादित देखें, तो अमर्यादित होता है लिमिटलेस। खारिज होता है रिजेक्टेड, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया हो। और ओल्ड होता है पुराना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखें, तो लिटरेली, ठीक है, लिटरेली का मतलब होता है सचमुच। लिटरेली का मतलब क्या होता है? सचमुच, ठीक है, ऑफ ट्रुथ यानी हूबहू, ठीक है, सचमुच। लिटरेली का मतलब क्या होता है? सचमुच। और इसके अंदर ये सी है ऑप्शन है वो सही था। और सतत, आपको पता है कि सतत होता है कंटिन्यू, लगातार, ठीक है, सदैव होता है ऑलवेज, और सब कुछ होता है एवरीथिंग। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 था, उसका उत्तर था सचमुच, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12, परसेप्शन, परसेप्शन का जो यहाँ पर अर्थ है वो होता है अवधारणा, ठीक है, परसेप्शंस बनाना यानी अवधारणाएँ बनाना, ठीक है, अवधारणा इसका सही आंसर हो जाएगा बी का। इसके अलावा इसमें देखें तो आदर्श होता है आइडियल, आकांक्षा, आकांक्षा होती है एम्बिशन, और प्रवीणता होती है प्रोफिशियंसी। प्रोफिशियंसी क्या होती है? प्रवीणता, किसी चीज़ में प्रोफिशियंसी। तो आपको ये जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको भी आपको याद करना है, हो सकता है इस बार इनमें से ही कुछ पूछ ले। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, ठीक है, देहाती लोग, कंट्री साइड, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देशभक्त होता है पेट्रोलिज्म, सीमावर्ती होता है फ्रंट लाइन, और विशाल होता है ह्यूज, ठीक है, विशाल। इसी प्रकार मर्जर, मर्जर आपको ध्यान रखना था, किसी चीज़ में किसी चीज़ को मर्ज करना, मर्ज करना यानी विलय करना या मिलाना, ठीक है, जैसे बैंकों का विलय करते हैं उसको मर्ज करना, तो मर्जर हो जाएगा विलय, यानी बी इसका सही हो जाएगा। मंथन, मंथन क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्म होता है मंथन, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म होता है मंथन। महामारी, आपको सबको पता है कोरोना एपिडेमिक महामारी होती है, तो ये क्वेश्चन, ये आपको इस बार ध्यान रखना है, महामारी का अर्थ होता है एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक, एपिडेमिक आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार महापाप, महापाप का मतलब था एनॉर्मिटी, ठीक है, एनॉर्मिटी यानी महापाप। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आया था, सुप्रा, ठीक है, सुप्रा के अंदर हम देखें तो देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर चार है दिशाएं दी गई है, परंतु आपको इसके अंदर ध्यान रखना था कि ये तीन तो क्या हैं, दिशाएं हैं, पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ, ठीक है, और दक्षिण यानी साउथ, परंतु ये जो पूर्व दिया गया है ये पूर्व इसके अंदर दिशा नहीं थी, ये था पूर्व यानी पिछला, ठीक है, तो ये इस पूर्व का मतलब है पिछला, सुप्रा का मतलब है पिछला या पूर्व,
परंतु ये जो पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये थी इसके अंदर ये क्या दी गई थी दिशाएं, यानी ये तो आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया गया था। तो सुप्रा का मतलब होता है पूर्व। तो ये तो आपके क्वेश्चन थे कि इंग्लिश से आपको ट्रांसलेशन करनी थी हिंदी के अंदर। अब हम बात करें 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों की, तो इसके अंदर आपको क्या करना था, इसके अंदर आपको जो इंग्लिश के जो हिंदी में जो शब्द दिए गए हैं, यानी 16 से 30 तक के शब्दों में आपको उचित अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद कर सही विकल्प का चयन करें, यानी हिंदी शब्दों का उचित अंग्रेजी अनुवाद आपको करना था। तो ये हिंदी में आपको दिए गए इनका अंग्रेजी शब्द आपको बताने थे। तो थोड़ा देख लेते हैं, सकारात्मक क्या होता है, सकारात्मक शब्द को बताएं एफिर्मेटिव, ठीक है, सकारात्मक एफिर्मेटिव, नेगेटिव होता है नकारात्मक, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था, सकारात्मक होता है एफिर्मेटिव। बर्बरता, बर्बरता क्या होती है, बारबेरियन, ठीक है, बर्बरता होती है बारबेरियन, तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सही हो जाएगा सी, बारबेरियन। इसी प्रकार विनिमय, विनिमय क्या होता है, विनिमय होता है बार्टर, विनिमय क्या होता है बार्टर, यानी बी। इसी प्रकार अगर हम बात करें समापन की, तो समापन क्या होता है, समापन एक काफ़ी अच्छा इसके अंदर वर्ड था, सशेषण, सशेषण का मतलब क्या होता है समापन, सशेषण यानी समापन, ठीक है। और अगर हम बात करें अनुकरण की, तो अनुकरण आप सबको पता ही है, अनुकरण होता है इमिटेशन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसके अंदर देखते हो तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर सकते हो, इमिटेशन यानी अनुकरण। छलपूर्ण क्या होता है, छलपूर्ण का इसके अंदर मतलब होता है डिसेप्टिव, ठीक है, कपटी, छलपूर्ण या धोखेबाज या कपटी, डिसेप्टिव, ठीक है, ए इसके अंदर सही हो जाएगा। मनोरंजन, मनोरंजन काफ़ी इजी वर्ड था, मनोरंजन का मतलब होता है अम्यूजमेंट, ठीक है। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है, सर्वत्र का मतलब होता है प्रवेश्यु, ठीक है, प्रवेश्यु यानी व्यापक, हर जगह, ठीक है, प्रवेश्यु का मतलब होता है सर्वत्र, परमानेंट होता है हमेशा, ठीक है, परमानेंट यानी हमेशा। और उपचारात्मक, उपचारात्मक का मतलब यहाँ पर था हीलिंग, ठीक है, घाव भरने वाला या उपचारात्मक एक ही बात है, तो इसके अंदर हीलिंग होता है उपचारात्मक। वस्त्र, वस्त्र होता है अट्टायर, ठीक है, ड्रेस, वस्त्र, पोशाक, अट्टायर इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी, यानी अट्टायर। इसी प्रकार बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 26, हवेली, हवेली क्या होती है, हवेली होती है मैंशन, हवेली क्या होती है, हवेली होती है मैंशन यानी हवेली, ठीक है। भोला, काफ़ी इजी मीनिंग आया था, भोला होता है नेव, ठीक है, नेव होता है भोला भाला, ठीक है, नेव मैन यानी भोला भाला व्यक्ति। दमनकारी, दमनकारी क्या होता है, दमन करना, किसी चीज़ को दबाना, ओपरेश्यू, ठीक है, ओपरेश्यू यानी दबाना, किसी चीज़ को दमन कर देना, ठीक है, ओपरेश्यू कर देना। तोड़फोड़, तोड़फोड़ क्या होती है, तोड़फोड़ होती है सैबोटेज, ठीक है, सैबोटाज, सैबोटाज होती है तोड़फोड़, सैबोटाज यानी तोड़फोड़। इसी प्रकार संरक्षण, संरक्षण का अगर बात करें इसके अंदर, तो दो इसके अंदर ऐसे मीनिंग दिए गए थे, एक होती है प्रोटेक्शन और एक है प्रजर्वेशन, तो प्रजर्वेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण और प्रोटेक्शन का मतलब भी वैसे तो होता है रक्षा, परंतु यहाँ पर संरक्षण पूछा गया था इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजर्वेशन, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको पहले 15 जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से आपको जो इंग्लिश के जो मीनिंग थे उसको आपको हिंदी में बदलना था, और इसके बाद में 16 से लेकर के 30 तक जो क्वेश्चन दिए गए थे आपको हिंदी के जो वर्ड दिए गए थे उनको आपको इंग्लिश में चेंज करना था। तो ये आपके हो गए 30 क्वेश्चंस, आपके 30 ही मार्क्स के थे, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 ये आपको इसके अंदर क्वालिफाई कराने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो लेटर और पैराग्राफ यानी ऐसे आपको लिखने थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर हिंदी में 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखें, ठीक है, राइट ए लेटर इन हिंदी इन 80 to 100 words, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर अगर आप ज़्यादा शब्दों में लिखते हो तो आपको एग्जामिनर है वो इसके ऊपर ध्यान रखता है कि इसको लेटर राइटिंग लिखना
आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखिए लेटर, इसके अंदर दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर अबाउट बेनिफिट्स ऑफ हॉबी इन लाइफ, जीवन में रुचि के लाभों के बारे में पत्र लिखना था, ठीक है। ये इसके अंदर अनऑफिशियल लेटर आया था, ठीक है, अनौपचारिक पत्र जो अपने भाई बहनों, ठीक है, रिश्तेदारों, अपने पिताजी, उनको लिखा जाता है। तो लेटर आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के होते हैं, तो लेटर भी इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं। एक तो लेटर होता है ऑफिशियल, ठीक है, और एक होता है अनऑफिशियल, ठीक है। तो दोनों प्रकार के लेटर आपको ध्यान रखने। ऑफिशियल जो लेटर होता है इसको कहते हैं कार्यालय, ठीक है, कार्यालय पत्र। और अनऑफिशियल जो होते हैं वो होते हैं अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक यानी जो अपने रिश्तेदारों, ठीक है, मित्रों, ठीक है, अपने माता पिता भाइयों, इनको लिखे जाते हैं, वो तो होते हैं अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक। और ऑफिशियल होते हैं औपचारिक यानी कार्यालय पत्र, किसी कलेक्टर को लिखना, ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं वो हेडमास्टर को लिखना। तो ये होते हैं ऑफिशियल और ये होते हैं अनऑफिशियल यानी औपचारिक और अनौपचारिक। तो दोनों प्रकार के ही लेटर आपके उसके अंदर आ सकते हैं। तो पिछली बार इसके अंदर देखिए ये जो आया था कि छोटे भाई को जीवन में रुचि के लाभों के बारे में आपको पत्र लिखना था, इसी प्रकार श्रम मंत्री राजस्थान सरकार को जनता में श्रम कानून व कल्याणकारी योजनाओं की जागरूकता के तो पत्र लिखें, ये आपके ऑफिशियल लेटर आया था, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लेटर का प्रारूप आना चाहिए कि लेटर है वो किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे पहले लिखते थे कि सेवा में श्रीमान, ठीक है, टू द हेडमास्टर, ये तो वो आजकल बंद हो गया है। इसके अंदर आपको एक तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेटर राइटिंग आपको करनी है वो आपको बताता हूँ मैं। देखिए लेटर राइटिंग में आपको एक तो ध्यान रखना है कि लेटर अपने को बाई तरफ ही लिखना है, ठीक है। जो नया जो प्रारूप है उसके अंदर आपको बाई तरफ से ही लेटर को स्टार्ट करना है। सबसे पहले लेटर के अंदर सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सेंडर का एड्रेस यानी भेजने वाले का यहाँ पर पता लिखा जाता है। उसके बाद में नंबर दो पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखते हैं डेट, क्या लिखते हैं, दिनांक, ठीक है। दिनांक के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से दिनांक लिखनी है। जैसे अगर हम लिखें कि 18/10/2021, अगर ये लिखते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। डेट आपको लिखनी है जैसे 18 यानी 18 अक्टूबर, ठीक है, 2021, इस प्रकार से आपको लिखनी है। तो ये सही है डेट लिखने का तरीका, और ये क्या है, गलत है, यानी इस प्रकार से अपने को नहीं लिखनी है। तो बीच का जो वर्ड है उसको इंग्लिश मंथ में आपको लिखना है। और अगर बात करें इसके बाद में तो आगे आपको करना है 3 नंबर पर, तो 3 नंबर के ऊपर आपको भेजने वाले का पता हो गया, इसके बाद में दिनांक हो गई, इसके बाद में अगर हम ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, कार्यालय पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला होता है, उस रिसीवर का आपको एड्रेस लिखना है, उसका डेस्टिनेशन यानी उसका पद लिखना है, ठीक है। तो ये आपको उसके अंदर करना है। जैसे कलेक्टर को लिख रहे हैं तो द ऑनरेबल कलेक्टर, ठीक है, स्थान का नाम लिखना है। और इसके बाद में नंबर 4 पर आपको, ठीक है, सैल्यूशन, ठीक है, यानी संबोधन करना है, ठीक है। नंबर 4 पर आपको क्या करना है, संबोधन करना है, सैल्यूशन, ठीक है। इसके बाद में लेटर की मेन बॉडी आएगी, ठीक है, लेटर की मेन बॉडी, और नीचे आपका जो लिखने वाले का जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में। तो इस प्रकार आपको लेटर के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से, एक आपको ध्यान रखना है कि बाईं तरफ से ही लेटर की शुरुआत करनी है। पहले दाईं तरफ लिखते थे, अब लेटर का प्रारूप चेंज हो चुका है। इसके बाद में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको लेटर के बारे में भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो अब आपको ध्यान करना है, ये तो था लेटर राइटिंग का, ठीक है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल ये आपको देखने हैं। और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसके अंदर भी आपको 80 से 100 यानी 80 से 100 वर्ड्स में एक एस्से, ठीक है, या शॉर्ट एस्से
या फिर पैराग्राफ आपको लिखना है तो इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पिछली बार आया था सोशल मीडिया बून और बैन, ठीक है, सोशल मीडिया वरदान और अभिशाप, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इसमें भी आपको 80 से 100 शब्दों में इफेक्टिव जो पैराग्राफ है वो लिखना होता है। तो इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान समय में करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उसी के ऊपर ही लगभग आपके ये पैराग्राफ है आएगा। तो करंट में अगर सबसे अच्छा मुद्दा देखें तो कोरोना वायरस का मुद्दा है, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो कोरोना वायरस से संबंधित हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो इस बार हो सकता है कि आ जाए कि कोविड-19 का, ठीक है, कोविड-19 का कोविड इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा, हो सकता है इस प्रकार का कोई इस बार निबंध लिखना आ जाए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये आपको इफेक्टिव लैंग्वेज के अंदर ही लिखना है, यानी आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। ऊपरी ऊपर सबसे पहले जो इसकी हेडिंग लिखनी है, ठीक है, हेडिंग जो लिखनी है वो आपकी काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। नीचे आप उसको अंडरलाइन भी कर देंगे, इसके बाद में यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप बता देना, इसमें मैं आपको लेटर राइटिंग और ये ऐसे यानी वर्तमान में जो ज्वलंत जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर आपको एक वीडियो बना करके उसके अंदर आपको थोड़ा समझा दूंगा कि किस प्रकार के हो सकता है कि इस प्रकार का ऐसे परीक्षा में आ जाए। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।